हाँ मैं सुखानो सुखम तेने मैं രണ്ട് മാസം കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മേ. ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം, നാളെ വിളിക്കാം. ശരി ശരി, ബൈ. तुम मोटर ऑन करना भूल गए. सॉरी, तुम मोटर ऑन करना भूल गए. सॉरी, थोड़ा लेट आया मैं. 10 PM मोटर हैज टू बी ऑन, नहीं तो पानी नहीं आएगा. कल सुबह 7 बजे फिर ऑन करना. प्रोफेसर सिराज, मैं हूं. दरवाजा खोलो. कौन है? कौन? श्रीधरन. बस बैठो बैठो. मच्छरों ने इतना काटा रात भर, सो नहीं पाया. चाय चलेगी? नहीं, चाय की जरूरत नहीं, लेट हो जाएगी. लेटर लिख दिया? लेकिन क्यों लिखूं? उस रात को जो भी हुआ था, जो भी हुआ सो हुआ. इट्स पास्ट, आगे की सोचो. लेटर लिख दो. क्या लिखो? यही कि उस रात को जो भी हुआ उसके लिए तुम शर्मिंदा हो. दैट्स इट. Envelope now. Okay. कैसे envelope देते हैं? मैं ले लेता हूँ घर पे हैं. और एक बात, सिरज, बाहर के माहौल बहुत खराब है. कैंपस से थोड़े दिन के लिए दूर रहना. सुना तुमने ना? कैंपस से दूर रहना.
touch as shadows touch, becoming one in the midnight sun. Oh, beloved moon, fear not the dawn that separates us, for we will meet again when the world goes to sleep. जरूर क्या अंधेरे में ठंडी लगती है, मुझे गर्मी लगती है, डर लगता है। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे फ्लैट में दो लोग ऑलरेडी घुस चुके थे। उन्होंने अपने आप को न्यूज़ 100 चैनल का बताया। वो हम पर कूद पड़े और डंडे से मारना शुरू कर दिया, खासकर इर्फ मेरे फ्रेंड को। मुझे तो कपड़े भी पहनने नहीं दिए। मैंने उनसे पूछा वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनमें से एक ने कहा कंप्लेंट आई है, फैमिली सोसाइटी में ऐसा गंदा कांड करते हो। और फिर उन्होंने अलग कोने में ले जाके खड़ा करके अजीब अजीब पोज में हमारी फोटो निकाली। मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि वो लोग रुक जाएं, और तभी दरवाज़ा खुला और यूनिवर्सिटी के मेरे चार कोलीग मेरे बेडरूम में घुस आए। क्या आप ऑनरेबल कोर्ट को अपने कलीग्स के नाम बता सकते हैं? जी, यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर जुबैर खान, डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर फिरोज मजीद, यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर शादाब कुरैशी, प्रोफेसर एके मुर्तजा। मैं इनको देखकर चौंक गया, क्योंकि मैंने ना तो फोन किया था ना मैंने किसी से मदद मांगी थी। प्रोफेसर सिरस, आपने उनको फोन करके नहीं बुलाया? नहीं, नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वो लोग वहीं खड़े होकर मुझे घूरते रह गए और उन्होंने मेरे कपड़े भी नहीं लौटाए। फिर वो मीडिया वालों को लेकर अलग कमरे में चले गए। वहाँ उनके साथ कुछ बातचीत हुई, फिर मीडिया वाले वहाँ से चले गए। फिर शादाब कुरैशी बाहर आए और मैंने डॉक्टर कुरैशी से विनंती की कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाएं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो टेप उनके पास है और वो पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। पर अगले दिन हर लोकल न्यूज़पेपर में ये कहानी छाप दी मेरी फोटो के साथ। और फिर मुझे सस्पेंड कर दिया। मिस्टर सिरस, ये रिक्शा वाला आपका क्या लगता था? मैंने पूछा, ये रिक्शा वाला आपका क्या लगता था? मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड था? आप कोर्ट को बताएंगे कि आपका उसके साथ क्या संबंध था? आई ऑब्जेक्ट योर लॉर्डशिप, इसका इस केस के साथ। चलिए ठीक है, मैं कोई और सवाल पूछ लेती हूँ।
आप इतने सीनियर प्रोफेसर हैं मिस्टर सिरास, आपका एक लोअर क्लास मुस्लिम के साथ मेल जोल, मतलब ये किस तरह की दोस्ती है? वो हम लोग म्यूजिक सुनते थे। म्यूजिक सुनते थे और क्या करते थे? पिक्चर देखते थे। पिक्चर देखते थे और आप उसको पैसे देते थे सेक्स करने के लिए? लॉर्डशिप उसी सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रही है, सिर्फ सेक्स की बात करना चाहती है। चलिए ओके, आई विल चेंज माय क्वेश्चन। आपकी उम्र क्या है? 63, 64 इज योर एज, राइट? इस उम्र में भी आप सेक्स करने की शक्ति रखते हैं? लॉर्डशिप, इस तरह के सवालों का अनुमति नहीं दी जा सकती। बताइए सर, आई थिंक यू कैन नॉट जस्ट, मुझे इस बारे में बात नहीं। अरे बात कैसे नहीं करनी आपको? आपने इल्जाम लगाया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर, कुछ सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। बट आई विल चेंज माय क्वेश्चन। ये बताइए आप दोनों के बीच में मर्द कौन था? व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट योर लॉर्डशिप? आपको कमरा खाली करना है अभी के अभी। क्यों? यहाँ बैचलर लोग अलाउड नहीं है। और ये आपके एजेंट ने क्या बोला? क्या आप शादीशुदा है? झूठ बोलता है? नहीं नहीं, मैं शादीशुदा ही है, मतलब शादीशुदा था, मतलब है, मतलब उसको तो हुआ। परिवार कहाँ है? आप परिवार है कहाँ? मतलब परिवार मेरा फैमिली नागपुर में है और मैं इधर रहता है। परिवार ले आना तब यहाँ रहना। अभी आप सामान निकालें और बाहर करें। बाहर क्यों करें? क्यों, बाकी लोग परिवार वाले रहते हैं तो हाँ। मैं क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम दिया है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन झूठ बोला। परिवार है यहाँ पर और दूसरे यहाँ पर झूठ बोला। तुम सिक्योरिटी लिया कि नहीं? लिया। डिपॉजिट लिया मुझसे? लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया कि नहीं? लिया। फिर क्यों लिया? कमरे के लिए। कमरे के लिए? फिर मैं कमरे में रहता हूँ। मैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। यहाँ सब परिवार वाले लोग रहते हैं और बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता होगा। आप कमरा खाली कीजिए। कमरा क्या खाली कीजिए? तुझे हाइला समझता है क्या है तुम अपने आप को? क्या कहीं राड़ा क्या ला? कोई त्रास दिया तेरे को? क्या समझता है क्या तुम? क्या बोल रहे हो? सिक्योरिटी का पैसा क्यों लिया तुम मेरे से? लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा क्यों लिया तुम? लिया। लिया क्यों लिया? चोर। अरे इसलिए लिया कि तुम्हें कमरा दिया। तुमका तुम्हारा कमरा ही है? हाँ, हमारा कमरा है। ये कमरे में रहो। अरे क्या बात है, बंद करो इसको। क्या देख रहे हो तुम लोग? लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। दस लोग अनुज, ये अलीगढ़ में कोई सोर्स चाहिए तो किससे बात कर रहा है? वहाँ के पीटीआई कॉरेस्पॉन्डेंट से। नंबर है? क्यों चाहिए? अरे स्टोरी पे थोड़ा बात करना है। तुम्हारा काम है स्टोरी सिलेक्ट करना, उसे लिखना नहीं। नंबर प्लीज। लुक, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू मे बी क्लियरिंग द स्लम्स फॉर द गेम्स, बट देन यू आर क्रिएटिंग डंपिंग ग्राउंड समवेयर एल्स इन द सिटी, राइट? आई वांट टू टॉक टू हिम। नहीं नहीं सर, सर जी प्लीज, हम ना यहाँ किसी का नाम खराब करने नहीं बैठे। यू गॉट इनफ पीपल एट योर एंड डूइंग दैट फॉर यू। नो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्स ऑल, यू आर लुकिंग रियली प्रीटी इन दिस। मस्का बंद, गेट टू द पॉइंट। आई हैव अ ब्रेकिंग स्टोरी। उसके लिए मेरा कॉन्वर्सेशन ब्रेक करना जरूरी था। लिसन नाउ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ टीवी जर्नलिस्ट एक प्रोफेसर का घर में जबरदस्ती घुस गया एंड दे कंटिन्यू हैविंग सेक्स विद रिक्शा पुलिस। ओके, अर्पित को दे दो, ही इज गुड विद सेक्स स्कैंडल्स। तो तुम्हें ये सेक्स स्कैंडल लगता है? वो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। तो तुम्हें ये क्या लगता है? Like, it's a human story, my beat. Please. Dipu, तुम्हें आए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, okay? You've got to climb the wire just like everyone else. I was a topper in my college, yeah. I got scholarship for journalism. Dipu, please, Sonali ko de do. I need someone with experience on this. Sonali, I think she's 12th. Dipu, stop being a drama queen. I'll do it better. Trust me. Just Dipu, one. Dipu, जाके काम करो, मुझे काम करने। Namita. Horrible sari. Thank you. हाँ मैं सुखानो सुखम तेने अमे रुमासम कूड़े अम्मे ना नाला विलिक्या नाला विलिक्या शरी शरी बाय BJP Gaurav Bhatia, who's the spokesperson of the Samajwadi Party, and of course Asaduddin Owaisi.
लॉन्टी तुम मोटर ऑन करना भूल गए. सॉरी, तुम मोटर ऑन करना भूल गए. सॉरी, थोड़ा लेट आया मैं. 10 PM मोटर हैज टू बी ऑन, नहीं तो पानी नहीं आएगा. कल सुबह 7 बजे फिर ऑन करना. I'm so caught up in the madness and I'm waking up in a cold sweat. प्रोफेसर सिरस, मैं हूं. दरवाजा खोलो. कौन है? कौन? श्रीधरन. बस बैठो बैठो. मच्छरों ने इतना काटा रात भर, सो नहीं पाया. चाय चलेगी? नहीं, चाय की जरूरत नहीं, लेट हो जाएगी. लेटर लिख दिया? लेकिन क्यों लिखूं? उस रात को जो भी हुआ था, जो भी हुआ सो हुआ. इट्स पास्ट. आगे की सोचो. लेटर लिख दो. क्या लिखो? यही कि उस रात को जो भी हुआ उसके लिए तुम शर्मिंदा हो. दैट्स इट. Envelope now. Okay. कैसे envelope देते? मैं ले लेता हूँ घर पे हैं. और एक बात, सिरस बाहर के माहौल बहुत खराब है. कैंपस से थोड़े दिन के लिए दूर रहना. सुना तुमने ना? कैंपस से दूर रहना.
Good morning, Deepu. This isn't a hammock. It's my desk. Feedback do. मना किया तो नहीं दोगे क्या? तुम्हारी आर्टिकल स्टोरी से ज़्यादा किसी गे राइट्स प्रोटेस्ट का स्क्रिप्ट लगता है। Too bad your opinion has never mattered. Karan, get your feet off my desk. Namita, Namita, I need convince to go to Aliya. Deepu, editor ke sanction ke bina main tumhe nahi bhej sakti. You know how these things work. Namita, please, I really need this. Do this for me, please. She looking so pretty in this saree again. Say something and research or something. अच्छा वाला बोला था मैंने कार से चलते हैं नहीं कार अलाउंस है अगर बाइक से गुजारे तो अच्छा ना बचा हुआ पैसे का बियर पिएंगे Excuse me. प्रोफेसर सिरस को मिलना था वो यहाँ नहीं आते कब से जब से वो कांड हुआ है एक बार आए थे अपने सामान लेकर चले गए तो अभी किधर मिलेंगे पता नहीं इन्हें कुछ नहीं पता ये डिपार्टमेंट इतना काली क्यों है मराठी और मलयालम को कौन पूछता है मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट आते हैं साल में प्रोफेसर्स तो बस नाम के हैं थैंक यू Excuse me, sir. Hey, Professor Sridharan, kedar milega? I'm Sridharan. Hello, sir. I'm Deepu Sebastian from Indian Post newspaper. So, Professor Siras ke baare mein 2 minutes baat karna tha. Ek story kar raha hu. I have no time. Sir. Only 2 minutes, sir. Aapko lagta hai unko suspend kiya jana chahiye? I don't want to talk to the media. Sir, please. Main unka help karna chahta hu. Please. Aap unko help nahi karo to acha hai. Matter already pahad ban chuka hai. But sir, ye jo do log jinhone sting operation kiya, unka upar koi action nahi hua. Don't you think Professor Siras ko phasaya ja raha hai? Dekhiye, main aapse request kar raha hu. Aap unke piche mat padiye, nahi to is society mein उनको जगह नहीं मिलेगी प्लीज अंडरस्टैंड एक्सक्यूज मी सॉरी थैंक यू सर ये मिलने का बंदा इधर का मटन करी खाएंगे बहुत अच्छी सुना कुंगला पैसे तू ही भरेगा ऑफ कोर्स तू ही भरेगा Deepu smile. तीन लोग लगे रखा है लगता तेरा सिरस भाग गया नहीं नहीं लाइट्स को ना देखना तो क्या हुआ ट्यूब जला के भाग गया वो इधर ही कहीं है वो I'm sorry scared. डेढ़ घंटे से मैं यहाँ बैठूं डेढ़ घंटे से मैं बैठा हूँ मेरा नंबर क्यों नहीं आया आपने नाम लिखवाया था नर्स के पास हाँ? फिर तो कल आइए आप क्योंकि नर्स भी जा चुकी है अरे आई थिंक माई बीपी इज हाई
इस बार दिल्ली में भी इतनी ठंडी नहीं हुई, इधर ज्यादा ठंडी है। आज कल पानी पीछे डॉक्टर आपके बैग में। पूरे दोपहर धूप में था, वन डे आई डू ग्रोसरी शॉपिंग ना, मस्ट बी अ लिटिल बिट ऑफ सन स्ट्रोक। नहीं आज धूप थोड़ी ज्यादा ही थी आज। विच ईयर? विच ईयर? मैं इधर का नहीं सर, मैं दिल्ली का। डी ओ हमारे यूनिवर्सिटी से अच्छा कैंपस कहीं नहीं मिलेगा, नंबर 3 इन इंडिया। या वेरी नाइस कैंपस। अब खुद ही खाना बनाते हैं सर, बैचलर है बाबा। ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया सर आपके साथ। किसने? किसने? नहीं ये यूनिवर्सिटी ने। दीपू, कौन है? इंडियन पोस्ट न्यूज पेपर से सर, 5 मिनट्स आपसे थोड़ा बात करूँ। ये जो आपके साथ किया है अच्छा नहीं किया सर। जर्नलिस्ट आया है तू? फ्रॉम इंडियन पोस्ट न्यूज पेपर सर, दीपू सदस्य। 5 मिनट्स का सर। सर बास्टर्ड। सर तू फ्रॉड आदमी है। सर मैं फाइव मिनट्स नहीं आया, इतना आने का नहीं है सर। मस्ती नहीं मांगता मेरे को। मैं संकेत का जोकर है क्या इधर? अपना पीछे डाल ले इस कैमरा। मुझे क्या आंखें दिखा रहा है? वहां तो मुझे चाय वाले पे छोड़ के भाग गया, मुझे क्या मालूम था तू खुद झूठ बोल के उसके पीछे पड़ गया। कम से कम उनका फीलिंग समझता हूँ मैं, तुम लोग तरह बिकावा नहीं हूँ मैं। प्लीज सेल्फिश पीपल। यहाँ क्यों है? इधर से दिल्ली का बस मिल जाएगा डायरेक्ट। चल मैं कल पीछे ट्राई करूँ। चल ना, आई विल सी यू इन दिल्ली। अरे सुन ना, थोड़ा पैसा देना, देता हूँ। दो हजार है। ठीक है, देता हूँ। हद है यार कमलापंती की। आई विल सी यू डे आफ्टर। थैंक यू।
8 तारीख की रात को जो वाकया हुआ उसकी वजह से प्रोफेसर श्रीनिवास सिरास को यूनिवर्सिटी चार्ज शीट कर रही है। उनका इमोरल कंडक्ट AU के टीचर के लिए खास तौर से नामुनासिब है। प्रोफेसर सिरास को आज एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा और उनको अपने अलॉटेड क्वार्टर 21 मेडिकल कॉलोनी को 7 दिन में खाली करना होगा। सर क्या आप बता सकते हैं प्रोफेसर के साथ दूसरा शख्स कौन था? सर ये दो लोग जिन्होंने वीडियो टेप बनाई उनका क्या हुआ? उनका अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं। बट क्यों? क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। बट इजंट इट ट्रू कि ये जो वीडियो टेप बनाया गया ये प्रोफेसर सिराज का परमिशन के बिना बनाया गया? देखिए आपको बोला है किस तरीके के सवाल? जर्नलिस्ट होकर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? तुम्हारे कैमरास कहीं भी परमिशन लेकर घुसते हैं क्या? और याद रखिए यहां मसला कैमरास का नहीं है, उन पे पाए गए कंटेंट का है। आखिर इस टेप को लीक करने के पीछे मकसद क्या है आपका? फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेल डन। जो सवाल आपने उठाए वो शायद कोई और रिपोर्टर नहीं उठाता। इट्स माय जॉब। डू आई नो यू? ताहिर इस्लाम, फिलॉसफी डिपार्टमेंट। दीपू सेबास्टियन फ्रॉम इंडियन पोस्ट न्यूज़पेपर। सिरास इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। I'm glad उनका इधर कोई फ्रेंड भी है। ऐसे कैसे बिजली काट सकते हैं? इसमें साफ साफ लिखा है मुझे 7 दिन मिले। सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिलेगी आपको, 7 से 11 बजे तक। जब तक ऑक्यूपेंसी है आप बिजली नहीं काट सकते। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तो जाइए पुलिस थाना जाइए। हो गया? थोड़ा शाही पानी ले लो, 2-4 दिन बाद काट लेना। कितने बजे से कितने बजे तक बोला? बोला ना 7 से 11। मेरे वालिद AU में प्रोफेसर थे, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ। बट आई केम बैक हियर टू टीच बिकॉज ऑफ व्हाट दिस यूनिवर्सिटी स्टूड फॉर। व्हाट एग्जैक्टली डिड इट स्टैंड फॉर? मुगल रूल के बाद इंडिया की मुस्लिम सोच को अगर किसी ने बदला तो वो थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इट इम्पार्टेड अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड व्यू टू इंडियन मुस्लिम्स एंड ऑफ कोर्स इट वाज द नर्सरी फॉर फ्रीडम फाइटर्स। मगर गम ये है कि आज मैं ये अल्फाज AU के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। Why? आज इसके जर्रे जर्रे में राजनीति भरी हुई है। एक ज़माने में जो डिफरेंसेस डिबेट्स के ज़रिए सुलझाए जाते थे वो आज खून खराबे में उलझ रहे हैं। यू थिंक प्रोफेसर सिराज इज अ विक्टिम ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स? ओह यस डेफिनेटली। उनके साथ बहुत बदतमीजी हुई है। शुगर क्या पास में? सर इसका बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर सकते हैं? क्या हुआ था? देखो आई वॉन्ट टू हेल्प सिराज and I'll do what I can. But I can't rock the boat too much. It's okay. Thank you. Hello, sir. Deepu, Sebastian, wo Dr. Islam ne baat kiya. And sorry for the other day, sir. क्या हो? मीटर में कुछ प्रॉब्लम है? बिजली रिकनेक्ट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने कनेक्शन काट दिया। ये हो आपका मीटर? नहीं पड़ोसी का है, बाहर गया है। ऐसे नहीं होगा सर, तुम हर दिन कब आए? मैं ट्राई करूँ? अब थोड़ा पीछे जाइए सर। नहीं वो अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो थोड़ा क्या हुआ? मजाक करो सर, हो गया। बंद करो।
ये ले लो। सर मैं ये नहीं जानना चाहता कि उस रात क्या हुआ था। नो इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस ऑफ कोर्स, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि उन लोगों को ऐसा ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने का हक नहीं था। मेरे खिलाफ साजिश थी एयूकी एयू के कुछ लोगों की, सब चलते हैं मुझसे। व्हाई? देखो मैं यहाँ बाहर का आदमी समझा जाता हूँ, एन आउटसाइडर। उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूँ, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूँ, उसके बावजूद मुझे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया। पता है आज सुबह जब इन लोगों ने मेरी बिजली काटी तो मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के क्लॉक टावर से जाके जंप लगा दूं, पर मैं रुक गया। अच्छा हुआ रुक गया। अच्छा हुआ। Now I can drink. Then, do you mind if I record this? No. Thank you. आप कुछ कह रहे थे सर? जनवरी लास्ट में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वो ज्यादा दिन तक मुझे चेयरमैन के पद पर नहीं टिकने देगा, और एक हफ्ते के बाद ये घटना घट गई। आप गए इसलिए? मुझे ये शब्द का मतलब समझ नहीं आता बाबा। तो आप नहीं है सर? कोई मेरी फीलिंग को तीन अक्षरों में कैसे समझ सकता है? ये एक कविता की तरह से भावात्मक, एक तीव्र इच्छा जो आपके काबू से बाहर होती है, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज। बताओ किन किन पोएट को पढ़ाया तुमने? पोएट? अयो पोएट तो सर ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन वेंशन तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, इतना शब्दों का इतना केला सब ऐसा ऊपर से जाता है। पोएट्री शब्दों में कहाँ होती है बाबा, कविता शब्दों के अंतराल में मिलती है, साइलेंसेस में, पॉजेस में, फिर लोग अपने अपने हिसाब से अपना अर्थ निकालते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, मैच्योरिटी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, यस। आपका वो जो किताब है वो ग्रास अंडर माय फीट, मैं बहुत ढूंढा, मैंने कहीं नहीं मिला। नेचुरली आजकल कविता खरीदता कौन है? और तुम्हारे जनरेशन के लोगों को तो पोएट्री की समझ ही नहीं है, वो हर चीज को किसी न किसी लेबल से चिपकाना चाहते हैं। Fantastic, fabulous, super, superb, cool, awesome. सर फिर आपने AU क्यों ज्वाइन किया? I love AU. No, I mean इधर तो ऐसे मराठी का कोई डिमांड नहीं हुआ है। I got very much respect here. Now see, महाराष्ट्र स्टेट में सैकड़ों मराठी टीचर हैं, but in अलीगढ़ there is only one. Professor S. R. Siras. Only one. Yeah, yeah. Only one. So, वो थोड़ा उस रात के बारे में बात कर सकता है? वो लोग जो अंदर घुसा, हम जानते थे उनको?
तो अंदर कैसे घुसा? पता नहीं. यू थिंक दे ब्रोक इन? या आपने दरवाजा खुला छोड़ा? Please talk to me, sir. You have to help me to help you. Please, sir. मैं और मेरा दोस्त यहाँ इस बेडरूम में थे. दो लोग अंदर घुसे. एक के हाथ में कैमरा था, एक के हाथ में डंडा. दोनों हम पर कूद पड़े, डंडे से मार रहे थे, खासकर मेरे फ्रेंड को. मुझे कपड़े भी नहीं पहनने दिए उन्होंने. They took off my clothes. रिक्वेस्ट करता रहा कि वो उसे न मारे. तभी अचानक दरवाजे से मेरे चार कोलीग्स अंदर घुसे मेरे बेडरूम में. पर वो लोग इधर क्या कर रहे थे? My book, Paya Khali Hirwar, Grass Under My Feet. कभी पोएट्री पढ़ने का मन हुआ तो. थैंक यू सर. तो मराठी लगता है. ट्रांसलेटेड वर्जन है मेरे पास, बट इट इज टू मच बैडली डन. सोचता हूँ ट्रांसलेट कर दूँ कभी खुद ही. तो मुझे वो वाला कॉपी दीजिए सर. नहीं, सुविनेर. थैंक यू. इन दैट केस कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ? नहीं नहीं, मैं अपने पेन से करूंगा. मैं साइंड कॉपी. लव एस आर Yes. Take care. Perfect. Okay, I'll take your leave, sir. संभल के जाना. Yes. बहुत रात हो गई. Pleasure meeting you. I'll see you soon. Good night. Good night. मैंने मोटर ऑन कर दिया है.
The story has got nothing to do with... This story has got nothing to do with him being gay or straight. The question is, छह लोग उनका परमिशन का बिना उनका घर में घुसा कैसे? On 2 July 2009, Delhi High Court declared Section 377 as unconstitutional. Professor Siraj का suspension और charge sheeting. जुडिशरी के फैसले पर जबरदस्त धमाका है. आज हम सब लोगों को मिलकर उस सस्पेंशन को चैलेंज करना है. भारत के इतिहास में पहली बार कानून हमारे साथ है. जस्टिस फॉर. देखिए मिस्टर सिराज, अगर आप AU के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम तहे दिल से आपका साथ देंगे. आपको शायद पता नहीं लेकिन आपका केस बहुत स्ट्रांग है सेक्शन 377 के अमेंडमेंट की वजह से. सॉरी सर, मुझे एक्टिविज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मिस्टर सिराज, ये एक्टिविज्म नहीं है, ये हकों के लिए लड़ना है. लेट मी शो यू समथिंग सर. देखिए ये सिग्नेचर कैंपेन देखिए. ऑलरेडी 30,000 लोग आपके सपोर्ट में इसमें सिग्नेचर कर चुके हैं. आपने वकील विजय ग्रोवर का नाम तो सुना होगा जिन्होंने 377 के खिलाफ आर्ग्यू किया था. इस केस में वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. अच्छा सिराज, तुम कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक कर देंगे? यू हैव टू फाइट इट आउट मिस्टर सिराज. करना होगा मुझे? हमें पेटिशन में लिखना होगा कि आप गए हैं सर. जी, पेटिशन में लिखना कि आप गए हैं. विल यू बी ऑलराइट? डू वी हैव योर परमिशन? नो. प्लीज ये सामान रखिए. बैग रखिए प्लीज़. एक मिनट सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी आप अपना पुराना मकान छोड़ते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए ना सर. प्लीज़ जाने दो बाबा. प्लीज़ सर. चलो बाबा. प्लीज़ सर. शॉर्ट ये किताबें लेके जाओ. The problem with 377 was nobody could speak up. If you said you were gay, then you were directly seen as a criminal. I applaud your courage. Main janta hu yahan aasan nahi raha hoga. No sir, you are the courageous one. Apne jaiso ke liye lad jo rahe hain ab. I don't think he's gay. He's not a gay. और अगे नहीं बोलते मतलब सिर्फ इसके कहते हैं.
इसके getting late. Come. Let's go. टाइम्स एशिया हायर एजुकेशन बॉडी के अनुसार इंडियन यूनिवर्सिटीज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 3 रैंक पर आती है. जाहिर सी बात है कि ऐसी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट होंगे. मिस्टर सिरास ने न सिर्फ इन नियमों का उल्लंघन किया है बल्कि ही हैज ऑल्सो वायलेटेड द वेरी मॉरल कोड ऑफ हिज एम्प्लॉयज. यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर इस घिनौने व्यवहार की वजह से इन्होंने शिक्षक कौम की छवि को कलंकित किया है. यहां विक्टिम मिस्टर सिरास नहीं, यहां विक्टिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है क्योंकि कलंक यूनिवर्सिटी पर लगा है. मिस्टर सिरास को सस्पेंड करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने नियमों का पालन किया है और नियमों का पालन करना कोई गलत तो नहीं है. थैंक यू. प्लीज थैंक यू योर लॉर्डशिप. आपने कहा कि एयू ने सिर्फ अपने नियमों का पालन किया है. अपने नियम, भारत के संविधान के नियम नहीं. आप शायद भूल रही हैं कि इन द कोर्ट वी आर्ग्यू विद इन लेजिस्लेचर्स एंड लॉज. आर्टिकल 21 क्लियरली स्टेट्स एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज एंटाइटल्ड टू द राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी. यानी देश के हर एक नागरिक को समान रूप से एकता और मर्यादा का हक है. 8 फरवरी की रात को मेरे क्लाइंट से उनका यह संवैधानिक हक छीना गया. कुछ लोग बलपूर्वक उनके घर में घुसे और जबरदस्ती उनके प्राइवेट मोमेंट्स में उन्हें फिल्म किया. जब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स प्रॉक्टर जुबैर खान, डिप्टी प्रॉक्टर फिरोज मजीद, पीआरओ शादाब कुरेशी और मीडिया एडवाइजर एके मुर्तजा वहां पहुंचे तो वो इस उल्लंघन को रोक सकते थे योर लॉर्डशिप. मगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने उन रिपोर्टर्स को रिप्रिमांड करने के बजाय मेरे ही क्लाइंट को परेशान किया, उन्हें और बेइज्जत किया. और अगले रोज बिना किसी इंक्वायरी के एयू ने प्रोफेसर सिरस को सस्पेंड कर दिया. उन्हें अपील का मौका दिए बगैर उन्हें चार्जशीट कर दिया. इन्हें घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन का मौका मिला, जिस दौरान इनके घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी गई. योर लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट एक 64 वर्षीय सीनियर सिटीजन है. 3 महीने बचे थे इनके रिटायर होने में. बड़ी बेरहमी से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मेरे क्लाइंट के संवैधानिक हक उनसे छीने हैं. हम ऑनरेबल कोर्ट से अपील करते हैं कि प्रोफेसर सिरस का सस्पेंशन रिवोक किया जाए और इनका मकान 21 मेडिकल कॉलोनी इन्हें इमीडिएटली लौटा दिया जाए. थैंक यू लॉर्डशिप. सर अभी आ रही है, स्टूडियो से आवाज आ रही है. ओके ओके ओके, वी रेडी टू गो. या ओके, गुड लक. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया फाइट्स बैक. A professor of Aligarh University on the verge of retirement has been fired for being gay. This new controversy has reignited the homosexuality debate on the university campus, and both students and teachers stand divided. We have with us tonight Professor Siraz. Professor, क्या आपको इसलिए suspend किया गया क्योंकि आप gay हैं? मैं बड़ा disturbed हूँ कि इतने साल की सर्विस के बाद मेरी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कदम उठाया. I'm very much upset. Those people entered my house without my... Society requires punishment when there's an offense. Nobody should be allowed to devalue your system. This is not a case of gay or... This is purely moral. Teacher kaum ka farz banta hai ki padhai ke saath saath wo apne students ko moral values bhi sikhaye. Agar hamara hi koi teacher in values ka ulangan kare to ye acceptable nahi hai. फारूक अंसारी साहब, आप बताइए किसी की पर्सनल लाइफ से आपका क्या लेना देना? कोई इंसान अपने शादी के बाहर शारीरिक संबंध रखे, इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है. अल्लाह ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो अपनी छवि आगे बढ़ाए. इस किस्म की आदतों को अगर बढ़ावा दिया गया तो इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी. कल को हर कोई समलैंगिक संबंध रखना चाहेगा. हेलो, कहना चाह रहे हैं कि समलैंगिक संबंध, कैन यू पुट हिम ऑन लूप? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होमोसेक्सुअलिटी अभी भी गुनाह है. देखिए देखिए, ये होना क्राइम नहीं है. हम अक्सर बताइए मिस्टर कुरैशी, प्रॉक्टर और मैं पास के गेस्ट हाउस में डिनर कर रहे थे. खबर मिली कि मेडिकल कॉलोनी में कोई शूटिंग चल रही थी.
अब पीआरओ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कैंपस में शूटिंग हो तो मैं वहां पर मौजूद रहूं। मैंने डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर मजीद और मीडिया एडवाइजर प्रोफेसर मुर्तजा को फोन करके मेडिकल कॉलोनी बुला लिया था। जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि सिराज और उसका पार्टनर बिस्तर में बैठे हुए थे। सिराज अपने चड्डी बनियान में था और उन रिपोर्टर से माफी मांग रहा था। मैंने फौरन वीडियो टेप देखने की मांग की और जो कुछ मैंने देखा वो नहायत ही अश्लील और शर्मनाक था। ऐसा क्या देखा आपने? इट वॉज एम्बेरेसिंग। ही हैड बीन एंगेज्ड इन एन इमोरल एक्ट विद द रिक्शा वाला। सो वॉज इट सेक्सुअल इन नेचर? होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस करना वो भी यूनिवर्सिटी प्रमाइसेस के अंदर हराम माना जाता है। उनका सस्पेंशन एयू के रूल्स के अनुसार हुआ है। थैंक यू। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। मिस्टर कुरैशी, उस रात आप और प्रॉक्टर उस पास वाले गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे? जी, अभी मैंने बताया कि हम लोग डिनर कर रहे थे। सिर्फ डिनर कर रहे थे? आप दोनों वहां अकेले थे? आपकी पत्नियां कहां थी? क्या मतलब? मतलब क्या वो जानती थीं कि आप दोनों गेस्ट हाउस में अकेले हैं? ये किस तरह का सवाल है? नहीं, दो लोग एक सुनसान गेस्ट हाउस, कुछ भी हो सकता है। आई ऑब्जेक्ट। सस्टेन्ड। मिस्टर कुरैशी, आपको कैसे पता चला कि 21 मेडिकल कॉलोनी में कुछ लोग फिल्मिंग कर रहे हैं? इट वॉज एन एनोनिमस फोन कॉल। एनोनिमस फोन कॉल, कन्वीनियंट। क्या उन लोगों के पास परमिशन थी शूटिंग करने के लिए? जी नहीं। तो जब आपने उनको बिना परमिशन के शूट करते देखा तो क्या आपने कोई एक्शन लिया? डिड यू कॉल द पुलिस? जी नहीं। क्यों नहीं बुलाई आपने पुलिस? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सिराज रिपोर्टर से माफी मांग रहा था। वो शर्मिंदा था, उसने खुद अपनी गलती। That's all right, but why didn't you call the police? क्योंकि वो बिना परमिशन के शूट कर रहा है। लेकिन उस सिराज भी पुलिस बुला सकता था, लेकिन उसने नहीं बुलाया। उसे देखकर कोई शक नहीं था कि he was guilty। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उन रिपोर्टर्स के आक्रामक व्यवहार की वजह से प्रोफेसर सिराज भयभीत हो गए थे? इसीलिए तो मैंने वीडियो टेप देखने की मांग की थी। उसमें तो नहीं लग रहे थे भयभीत। आपने उन रिपोर्टर्स को दूसरे कमरे में क्यों बुलाया? उस वक्त प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने उनसे विनती की थी खुद कि उस टेप को एयर ना करें। मैं नहीं चाहता था कि यूनिवर्सिटी का रिपोर्टेशन खराब। रियली? टाइम्स, हेरल्ड, डेली, इस घटना के दो दिन बाद से ही आप हर न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे। क्या उस दौरान आपको यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन की चिंता नहीं थी? मिस्टर प्रोसिक्यूशन यहां पर एक अजीब तरह से कोर्ट को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। दैट इज ट्रू। मसला यहां पर यह नहीं है कि मेरे क्लाइंट वहां कैसे पहुंचे। मसला यहां पर मिस्टर सिराज के ग्रोस मिसकंडक्ट का है। और वैसे भी हम यहां पर उनकी बेगुनाही का भाषण क्यों सुना रहे हैं? When he has already accepted. That's not true. That is true. This is just. Can I just show something to you? Allow me. This is a letter that was written by him. It is signed by him and it has been addressed to the Vice Chancellor of the University. I'm sorry, Your Lordship, इसकी कॉपी हमारे पास नहीं है। मैं अभी आपको कॉपी देती हूँ, Mr. Grover. Please. इस लेटर में उन्होंने साफ ये एक्सेप्ट किया है कि वो गलत है। तुमने वो लेटर क्यों लिखा? शिरहान के कहने पे वो बहुत कोशिश किया उसने बीसी से पार्डन की बात करने की। तुम्हारे दोस्त हैं? जी, उनसे बात करनी होगी। दिस लेटर डजंट लुक गुड, यू नीड टू डिपोज। ट्राई करता हूँ। देखो सिरस, हमारे घर का कोई भी मेंबर आज तक पुलिस स्टेशन या कोर्ट नहीं गए। हमारा नाम कीचड़ में मत उछालो प्लीज।
श्रीधरन, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन वो लोग उस लेटर को मेरे ही अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। किसने कहा कोर्ट जाने को? मैंने कहा था ना कि ये मामला अपने आप 2 महीने के अंदर ठंडा हो जाएगा। What else I could do, Shridhar? अब ये मैटर पब्लिक इश्यू बन चुका है सिरस। सॉरी, अभी तुम्हें इसे अकेले भुगतना पड़ेगा। खाना रेडी है। ठीक है, ठीक 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 है। संडे का कुछ प्रोग्राम। आज तुम जल्दी कैसे आ गए? वो काम जल्दी खत्म हो गया आंटी। तो कभी जा रही हो? कौन सिग्नल कॉल? क्या हो रही है? अरे तुम जल्दी आ गए आज। तो नहीं आ सकते मेरा डायरेक्ट? क्या किसका बच्चा है? क्या हो रहा है? ट्यूशन चल रहा है। और किसका परमिशन से? तुम्हारा परमिशन नहीं चाहिए। अभी आंटी से बात करता हूँ। आंटी, आंटी, ये मैगी मेरी रूम में ट्यूशन पढ़ा रही है। तो वो मेरी रूम है। अरे मेरा तेरा क्या, सब घर एक है। तो एक है तो अपनी रूम में पढ़ाओ ना। अरे तुम्हारा कमरा खाली रहता था, देर में तुम आते थे, इसलिए मैंने वहां ट्यूशन करा दिया। और अब मैं क्या करूं? कपड़ा चेंज करना है मुझे, किधर जाऊं? अरे फोड़ों के तरह वैसे ही रहते हो, जाओ जाओ अपना काम करो। सॉरी, ये आजकल के लड़के अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। दीपू ऑफिस में सो गया क्या? उत्कर्ष का मेल देखा क्या? है उत्कर्ष का मेल देखा क्या? सिरस का वीडियो रिक्शे वाले के साथ देखना। कॉन्फ्रेंस रूम में चल। आपको मालूम है इधर इरफान रहता है लड़का? वो रिक्शा आपको मालूम है इधर इरफान नाम का लड़का रहता है? वो रिक्शा पतला सा है सर। पता नहीं। आपको ये पता है इरफान किधर रहता है? इरफान किधर रहता है? यही रहता भी है क्या घर पे? नहीं। किधर गया? उसे पुलिस ने बहुत मारा और उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। कोई एड्रेस वगैरह कुछ है? मुझे परेशान मत करिए बाबा। नहीं परेशान नहीं कर रहा हूँ। जाइए यहाँ से। तुमने थोड़ा बस बात नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, जाइए जाइए आप।
प्लीज नंबर एड्रेस कुछ है तो अगर। मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं मालूम, जाओ इधर से। सलीम बेटा सलीम। हाँ खाला। प्लीज मेल कर। सलीम ये परेशान कर रहा है कब से देखो। सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। मुझे बताया कि कोई विजिटर आया है मिलने। आई वॉज थिंकिंग हु दिस पर्सन इज। नो सर, मैं इधर से क्रॉस कर रहा था एंड आई गॉट नो कि आप भी इधर हैं, बट मिलना चाहिए आपसे। लाहौर से क्रॉस कर रहे थे? नो, एक्चुअली आपका केस चल रहा है, इट्स बीन टू लॉन्ग, आई मस्ट कम एंड सी यू। एक्चुअली I was going to have lunch. Will you join me? Yeah, of course. As long as you're paying for it. I'll sure, sure, sure. No, no, I'm kidding, sir. Of course. ये चोट कैसे लगी? ये? अरे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पे जर्मन के साथ। Very funny, हाँ। आप डाल नहीं ले रहे? नहीं नहीं ना, थोड़ा नहीं 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 बिल्कुल क्यों? तुम्हारा हाथ लग गया ना बाबा। सो दिस इज नॉन वेज, वी आर ब्राह्मिन्स। यो सॉरी सर, आई डिडंट नो। नो इट्स ओके। ये धर्म वगैरह ज्यादा समझ नहीं आता मुझे। धर्म समझने वाली चीज नहीं है, जहां दिमाग लगाया आस्था गई। आस्था देखा था, समझ आया। समझ आया? कोर्ट कैसा चल रहा? आर यू टेकिंग माय इंटरव्यूज दीपू? नो 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 सर, आई हैव जस्ट कम टू मीट यू। सो कोर्ट कैसा चल रहा? वेरी बोरिंग। कंटाल जाते रे बाबा। मेरे वडील वकील से। कौन? मेरे बाबा। तो मैं ये सेक्शन पिटिशन आर्गुमेंट्स यही सुन सुन के बड़ा हुआ, तब मुझे नहीं समझ में आती, अब भी नहीं समझ में आती। आई कैन इमेजिन, लोग के साथ मेरी भी बहुत स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। अच्छा? जब मैं छोटा था ना, सबके साथ बहस करता था, सब लोग कहते थे लॉयर बनेगा। तो मैंने लॉ का एग्जाम भी दिया स्कूल के बाद, क्लियर भी हो गया था, बट फॉर्चुनेटली मैं अपना माइंड चेंज किया। बट डैड जो 1 लाख रुपए दिया था एंट्रेंस फीस का, उसका लेके सुनाते हैं आज भी। डैड्स आर द सेम रियली। अभी खुश हैं तुम्हारे काम से? तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फॉरन जाके पैसा कमाओ, और कोई खुशी नहीं है। आपका फैमिली में कौन कौन है? दो भाई हैं नागपुर में। बात होता है उनसे? हमारी बनती नहीं है, 30 साल से अलग है ना, पर उनके बच्चे बहुत क्लोज हैं मेरे। चिल्ड्रेन डोंट जज यू। का फैमिली ने कभी ऐसा प्रेशर नहीं किया? नो मीन लाइक, छोटे शहर में ऐसा बहुत होता है ना, एक एज के बाद मैरिज के लिए बोलता है। मैंने शादी की थी। शादी की थी? जब प्रोफेसर की नौकरी लगी थी तब मेरे साथ अलीगढ़ भी आई थी वो, पर बात बनी नहीं। Because of your sexual preference?
उसकी वजह से नहीं। ले? मैं अपनी किताबों लता मंगेशकर में ही उलझा रहता था। मेरे से बोर होके वो चली गई। सच सच बताओ ये चोट कैसी लगी तुम्हें? चोट? एक्चुअली मैं जमालपुर गया था इरफान से मिलने। उधर का एनवायरनमेंट बहुत खराब है सर। इरफान भी रहता नहीं है उधर, भाग गया। लोग बता रहे थे पुलिस ने बहुत मारा है इरफान को। गरीब आदमी को क्यों सता रहे हैं लोग? यू थिंक इरफान भी मिला हुआ था? मतलब? नहीं, आपका दरवाजे को कोई डैमेज नहीं हुआ बाहर से, तो अंदर से खुला होगा किसी? शायद मैंने ही ठीक से बंद नहीं किया था। 3 लैचेस हैं आपका डोर, तीनों को बंद करना भूलिए। सर आई एम सॉरी बट आपको ये इरफान का बात करने में कंफर्टेबल होना होगा, अदरवाइज ये लोग बहुत परेशान करेंगे आपको। आठ महीने से ही जानता था मैं उसको। मेरी उम्र में अक्सर लोग अकेलापन महसूस करते हैं। तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़ जाते हो? कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक अ डर्टी वर्ड। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। So bad. No, you're looking very good. No. You're a very good looking man. Oh God. Thank you. All right, sir. Milta hai next time, aapka case jeetne ke baad. Thank you for coming. It was an honor, sir. Good night. Dibbu. मेरी किताब सर मराठी में आप भी एक ही वर्ड आते मराठी? नहीं नहीं, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। कोर्ट में कुछ करने को नहीं था तो सोचा ट्रांसलेट ही कर दूं। वाह, थैंक यू सो मच सर। इंग्लिश इज नॉट एज गुड एज यू पीपल्स इंग्लिश। नो, थैंक यू प्रवीण। वेलकम। गुड नाइट। ओ बिलवेड मून, फियर नॉट द डॉन दैट सेपरेट्स अस, फॉर वी विल मीट अगेन व्हेन द वर्ल्ड गोज टू स्लीप। In the light of day, I am unseen. It is in your light my heart awakens. We will dance as shadows dance to the songs of nightingales. We will touch as shadows touch
becoming one in the midnight sun. O beloved moon, fear not the dawn that separates us, for we will meet again when the world goes to sleep. मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे फ्लैट में दो लोग ऑलरेडी घुस चुके थे। उन्होंने अपने आप को न्यूज़ 100 चैनल का बताया। वो हम पर कूद पड़े और डंडे से मारना शुरू कर दिया, खासकर इर्फ मेरे फ्रेंड को। मुझे तो कपड़े भी पहनने नहीं दिए। मैंने उनसे पूछा वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनमें से एक ने कहा कंप्लेंट आई है, फैमिली सोसाइटी में ऐसा गंदा कांड करते हो। और फिर उन्होंने अलग कोने में ले जाके खड़ा करके अजीब अजीब पोज में हमारी फोटो निकाली। मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि वो लोग रुक जाएं, और तभी दरवाज़ा खुला और यूनिवर्सिटी के मेरे चार कोलीग मेरे बेडरूम में घुस आए। क्या आप ऑनरेबल कोर्ट को अपने कलीग्स के नाम बता सकते हैं? जी, यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर जुबैर खान, डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर फिरोज मजीद, यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर शादाब कुरैशी, प्रोफेसर एके मुर्तजा। मैं इनको देखकर चौंक गया, क्योंकि मैंने ना तो फोन किया था ना मैंने किसी से मदद मांगी थी। प्रोफेसर सिरस, आपने उनको फोन करके नहीं बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वो लोग वहीं खड़े होकर मुझे घूरते रह गए और उन्होंने मेरे कपड़े भी नहीं लौटाए। फिर वो मीडिया वालों को लेकर अलग कमरे में चले गए। वहाँ उनके साथ कुछ बातचीत हुई, फिर मीडिया वाले वहाँ से चले गए। फिर शादाब कुरैशी बाहर आए और मैंने डॉक्टर कुरैशी से विनंती की कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाएं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो टेप उनके पास है और वो पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। पर अगले दिन हर लोकल न्यूज़पेपर में ये कहानी छाप दी मेरी फोटो के साथ। और फिर मुझे सस्पेंड कर दिया। मिस्टर सिरस, ये रिक्शा वाला आपका क्या लगता था? मैंने पूछा ये रिक्शा वाला आपका क्या लगता था? मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड था? आप कोर्ट को बताएंगे कि आपका उसके साथ क्या संबंध था? I object your lordship, इसका इस केस के साथ। चलिए ठीक है, मैं कोई और सवाल पूछ लेती हूँ। आप इतने सीनियर प्रोफेसर हैं मिस्टर सिरस, आपका एक लोअर क्लास मुस्लिम के साथ
मेल जोल, मतलब ये किस तरह की दोस्ती है? वो हम लोग म्यूजिक सुनते थे। म्यूजिक सुनते थे और क्या करते थे? पिक्चर देखते थे। पिक्चर देखते थे और आप उसको पैसे देते थे सेक्स करने के लिए? लॉर्डशिप उसी सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रही है, सिर्फ सेक्स की बात करना चाहती है। चलिए ओके, आई विल चेंज माय क्वेश्चन। आपकी उम्र क्या है? 63, 64 इज योर एज, राइट? इस उम्र में भी आप सेक्स करने की शक्ति रखते हैं? सर, लॉर्डशिप इस तरह के सवालों का अनुमति नहीं दी जा सकती। आई थिंक, बताइए सर, आई थिंक यू कैन नॉट जस्ट, मुझे इस बारे में बात नहीं। अरे बात कैसे नहीं करनी आपको? आपने इल्जाम लगाया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर, कुछ सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। बट आई विल चेंज माय क्वेश्चन, ये बताइए आप दोनों के बीच में मर्द कौन था? व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट योर लॉर्डशिप? आपको कमरा खाली करना है अभी के अभी। क्यों? यहाँ बैचलर लोग अलाउड नहीं है। और ये आपके एजेंट ने क्या बोला, क्या आप शादीशुदा है? झूठ बोलता है। नहीं नहीं, मैं शादीशुदा ही है, मतलब शादीशुदा था, मतलब है, मतलब उसको तो हुआ। परिवार कहाँ है? आप परिवार है कहाँ? मतलब परिवार, मेरा फैमिली नागपुर में है और मैं इधर रहता है। परिवार ले आना तब यहाँ रहना। अभी आप सामान निकालें और बाहर करें। बाहर क्यों करें? क्यों, बाकी लोग परिवार वाले रहते हैं तो। हाँ। मैं क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम दिया है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन झूठ बोला। परिवार है यहाँ पर और दूसरे यहाँ पर। झूठ बोला? तुम सिक्योरिटी लिया कि नहीं? लिया। डिपॉजिट लिया मुझसे? लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया कि नहीं? लिया। फिर क्यों लिया? कमरे के लिए। कमरे के लिए? फिर मैं कमरे में रहता हूँ मैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। यहाँ सब परिवार वाले लोग रहते हैं और बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता होगा। आप कमरा खाली कीजिए। कमरा क्या खाली कीजिए? तुझे हाइला समझता है क्या है तुम अपने आप को? क्या कहीं तेरी राड़ा क्या ला? कोई त्रास दिया तेरे को? क्या समझता है क्या तुम? क्या बोल रहे हो? सिक्योरिटी का पैसा क्यों लिया तुम मेरे से? लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा क्यों लिया तुम? लिया। लिया क्यों लिया? चोर। अरे इसलिए लिया कि तुम्हें कमरा दिया। तुमका तुम्हारा कमरा ही है। हाँ, हमारा कमरा है। कमरे में रहो। क्या बात है? बंद करो इसको, क्या देख रहे हो तुम लोग? लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बस पास में ही स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री है जहाँ ताले बहुत अच्छे मिलते हैं। कितने ताले लगेंगे सर? 2 ताले तो लगा ही लीजिएगा, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। मकान मालिक से बात किया? हाँ, मकान मालिक तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है। बस थोड़ा गैस का ख्याल रखिए, ज़्यादा लोग ना आए, यहीं रोक देना। हाँ, थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा आगे ले लो। देखिए सर मकान ठीक है ना सर? सर देखिए एकदम वेल मेंटेन है सर। ये चाबी आता है और सर वो रजिस्ट्रेशन चाबी। एक साल से पहले मकान खाली नहीं करूँगा, तभी दूंगा। सर मेरी गारंटी है सर, 1 साल से पहले आपसे मकान मालिक भी नहीं खाली करा पाएगा सर। अपने बच्चे की कसम? हाँ, मेरे बच्चे की कसम सर। तो सामान डालो। हर सोसाइटी, हर संस्था का हक बनता है कि वो अपने मेंबर्स को फिल्टर करे। जहां आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या वहां आप हर तरह के लोगों को रहने देंगे? नहीं। मिस्टर सिरास ने शादीशुदा होने का नाटक करके अपने पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंकी, और जब उन पड़ोसियों को पता चला कि रात बिरात गैर मर्द इनके घर पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कंप्लेन की। इस तरह की अनैतिक बातों का प्रभाव उनके बच्चों पर क्यों पड़े? क्या प्रोफेसर सिरास अपना बिजनेस बाहर खेल के मैदान में कंडक्ट कर रहे थे? ये लोग इनके घर में क्यों झांक रहे थे? व्हाट बिजनेस डू नेबर्स हैव लुकिंग इनटू समवन्स बेडरूम? और हम किसकी नैतिकता की बात कर रहे हैं योर लॉर्डशिप? क्योंकि नैतिकता की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। जो लोग शाकाहारी हैं वो मांस खाने वाले को अनैतिक समझते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो डिवोर्स लेने वाले को अनैतिक समझ सकते हैं। नैतिकता की सीमा क्या है? अगर कोई किसी के नैतिक दायरे के बाहर चला जाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो देश के हर एक शख्स को किसी न किसी के नैतिक दायरे के उल्लंघन के जुर्म में जेल में होना चाहिए। हम यहां पर किसी एक व्यक्ति की मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर ग्रोवर,
हम यहां पर बात कर रहे हैं 175 साल पुरानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सामूहिक नैतिकता की। कलेक्टिव मोरालिटी। मैं अपने लर्नर फ्रेंड को बताना चाहूंगा कि किसी संस्था को किसी की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। I would like the Honorable Judge to refer to Delhi High Court's historic July 2009 judgment in the Nas Foundation versus Government of NCT of Delhi, जिसमें Delhi High Court ने homosexuality को decriminalize किया था। उसमें भी विपक्ष का प्रमुख मुद्दा था morality। हमने argue किया था कि नैतिकता की संवैधानिक सीमा होना बहुत जरूरी है। It must have constitutional limitations, क्योंकि अगर इसे हम अस्पष्ट छोड़ दें, लोग निजी फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। 10 साल लगे मगर उस लड़ाई को हमने जीत लिया। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था, इफ देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट विच कैन बी सेड टू बी द अंडरलाइंग थीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज दैट ऑफ इंक्लूसिवनेस। क्षमा चाहती हूं मिस्टर ग्रोवर, लेकिन जिस सेक्शन 377 के अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में लागू होता है और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है। यहां आज भी होमोसेक्सुअलिटी गुनाह है, इट इज अ क्राइम। आई एम वेरी सॉरी दैट माय लर्नड फ्रेंड डजंट रियलाइज कि भारतीय संविधान सबके लिए समान है। दिल्ली का हो या इलाहाबाद का, देश के किसी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर इंडिया के हर एक स्टेट में लागू होता है जब तक कि उस स्टेट के हाईकोर्ट में उसे चैलेंज और ओवर रूल ना किया जाए। Therefore, the Delhi High Court order decriminalizing homosexuality is binding on this court too. Thank you, Roger. Namaskar, sir. Namaskar. Professor Siras, meet Mehmood Naqvi, a very well-known artist from Delhi. That's Abhilash Tripathi. Abhilash ji ek bahut hi jane mane aur prasiddh kavi hain. And that's Pratne Sharma, the lawyer. Na tum satya ho, na main satya hoon. Na jeet mein hai satya, na haar mein satya hai. Na aarambh mein satya hai, na ant mein. Satya to satat sangharsh mein. Kyunki, oh beloved moon, fear not the dawn that separates us. For we must meet again when the world sleeps. ये तो मेरी कविता है। वो मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, बड़ी मुश्किल से मिली। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। वैसे आपको ट्रांसलेशन कैसा लगा? अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। हिंदी का लॉयर हूँ जनाब। जिन्होंने आपकी पेटिशन पे साइन करके आपको सपोर्ट किया था। मराठी ओके मैं मजहर पुन बसले का मैं मजहर पुन आज पहाटे श्री रंगा ने आज पहाटे श्री रंगा ने मजला पुरते लूट लेगा। आज सुबह सुबह कृष्ण ने आके मुझे पूरा ही लूट लिया। साखर झोपे मध्येच अलगद साखर झोपे मध्येच अलगद प्राजक्ता सम टिप लेगा।
फिर कमरे में तू कौन ले जाएगा? आप छोड़ देंगे सर। बहुत लेट हो गया। नहीं तुम्हारा घर नहीं है क्या? Not really. Wanna have a drink? अभी? इधर? अरे यार तुम सवाल बहुत करते हो। चलो चलो। So, क्या बात है? परेशान रहते हो, रात को घर नहीं जाते, व्हाट्सअप? नहीं वो पीजी में रहते हुए थोड़ा तंग आ गया। ये तुम्हारे प्रोबेशन का आखिरी महीना है ना? हाँ या। सो शायद नेक्स्ट मंथ अपना मकान रेंट कर पाऊँ। साउथ एक्स में अच्छा रीसेंट सा कुछ मिल जाएगा ना? नहीं एक्चुअली घर पे थोड़ा पैसा भेजना पड़ता है। अच्छन से पूरा लोन, डैड से पूरा लोन लिया। तो डैड से ही तो लिया था, दो तीन महीने बाद दे देना, व्हाट डिफरेंस, डैड ही तो है। वो कोई आ गया तो? कोई नहीं आता, इसलिए तो मैं आती हूँ। यहाँ कैमराज भी नहीं है, कोई नहीं देखेगा। Have a sip, you'll feel more relaxed. नहीं वो मेरा एडिटर है नमिता, उसको मालूम चला तो गुस्सा हो गई। ये तुम्हारी एडिटर है ना नमिता, बड़ी बोरिंग है यार। नो रियली, शी डजंट हैव अ लाइफ। 24 घंटे ये ऑफिस में ही रहती है। दैट्स ट्रू। सो गो फॉर इट। थैंक यू। Okay, right? क्या हुआ? Have you? You've never been with a woman before?
another great day for gay rights in India. The Allahabad High Court rules in favor of Professor Srinivas Siras. AU will have to pay. Hey, good job, buddy. Thank you, Anuj. You won, man. Party? सस्ते में थोड़ी छोडूंगी। दीपू, करण, दिस इज दीपू। Congratulations, Deepu. Great job, Ansaras. Thank you so much, sir. Pleasure meeting you. Actually, I should thank Namita. Just take a compliment, no? Mm-hmm. अभी खत्म नहीं हुआ। We still have to break an exclusive with Saras. Sure. Of course, this front page material. Absolutely. Yeah, of course. Right. Lovely jacket, sir. अच्छा दीपू, you're no more on the wire. What? जाके काम करियो। टेल मी अभी कब आपका नेक्स्ट स्टोरी कब करना है? एक मिनट, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर। या श्योर श्योर। 26 बरस का होने पर बड़ा मान है। क्यों ना हो, देखो ना संसार शास्त्र के पहले समय पर क्या लिखा है। यस सर, तो अभी यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन कर रहे हैं? जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर पहुंच जाएगा यूनिवर्सिटी में। कब पहुंच रहे? कल सुबह। मेरा भांजा गया है इलाहाबाद उसे लेने के लिए। नाइस। तो अभी सर आगे नेक्स्ट स्पॉट क्या प्लान है? आगे सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद अमेरिका चला जाऊं। मेरे जैसे लोग वहां इज्जत से रह सकते हैं। प्लीज डोंट से दैट सर, इधर भी आपका बहुत रिस्पेक्ट है। ओके दीपू, मैं तुम्हें फोन पर इंटरव्यू नहीं करने दूंगा। मस्ट कम एंड मीट मी। श्योर, ऑफ कोर्स सर, व्हेनेवर यू से। कल आ जाऊं? नहीं, परसों मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिस में मिलते हैं। श्योर, डन। तो परसों आपका डिपार्टमेंट में पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट। बहुत नींद आ रही है, फोन रखता हूँ। सॉरी। यस श्योर सर, टेक केयर, गुड नाइट। यू आर अ गुड बॉय दीपू। गुड नाइट सर। कहीं जा रहे हो? या रूम खाली कर दिया। यू हैव टू गिव नोटिस। अभी दी ना आंटी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो। सॉरी। अच्छा सुनो,
मोटर चालू कर दिया ना? यस ठीक है, थैंक यू। क्या इच्छा? उम्र उम्र कितना? 20 साल। घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटियां और है। बेटा सरकार की तरफ से कोई आया अभी आपसे बात करना? कोई नहीं आया। पुलिस का कुछ? पुलिस से कुछ आया? कुछ नहीं। अब ध्यान रखिए थोड़ा। आज कोई आपका नाम क्या है? आपका नाम सुनीता। देखो और ये जो एक मैसेज है, ये जो आपका बेटा है अलीगढ़ से है। क्या करना? ऐसा कैसे हो गया? वो बात तो करना चाहिए था ना मुझसे, इतना मैं उनको फोन किया। तो बोलना तो चाहिए ना एक बार। भीम भीम कित कोई बात नहीं आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्ट्रांग रहिए, कोई बात नहीं। से लोग वहां इज्जत से रह सकते हैं।